नमस्ते सभी को दोस्तों। दोस्तों देखिए, आज हमारा अगली क्लास है और दिल्ली पुलिस के आप भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, करो और अच्छे से इस क्लास को कीजिए। देखिए, दिल्ली पुलिस के आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो रहे हैं, जो 2020-2021 में आई थी वैकेंसी, और लगभग 37 प्रैक्टिस सेट टेस्ट हुए थे उसमें, तो उसके मैथ के क्वेश्चन हैं आपके। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में राधा ने 20% अंक प्राप्त किए और वो 10 अंकों से अनुत्तीर्ण होगी, मतलब 10 अंक से फेल होगी वो, और सीता ने 30% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण अंक से 20 अंक अधिक हैं। तो परीक्षा में कुल अंक आपको बताने हैं कि परीक्षा कितने अंकों की हुई है वो। देखिए, एक परीक्षा में राधा ने कितने अंक प्राप्त करे, 20%, और वो कितने से फेल होगी, 10 अंक से। राधा ने कितने प्राप्त करे, 20% अंक प्राप्त करे और वो 10 अंक से अनुत्तीर्ण होगी, मतलब फेल। फेल होगी। सीता ने 30% अंक प्राप्त करे और वो 20 अंक अधिक प्राप्त करे, मतलब 20 अंक अधिक प्राप्त कर लिए उसने, और ये 20 अंक, चलो यहां कर रहा हूं मैं कम, मतलब 20 अंकों से फेल होगी, और यहां 20 अंक 10 अंक से फेल होगी और 20 अंक अधिक ले आई, सॉरी, जो सीता है। अब देखिए, यहां प्रतिशत का कितना डिफरेंस है, 30 और 10, 30 और 20, 10% का, और यहां कितना डिफरेंस है, 20 अधिक ले आई और यहां 10 कम थी, तो 30 का, 30 अंक का। तो देखिए, 10% बराबर किसके हैं, 30 अंक के, तो 1% बराबर किसके होगा, 3 अंक के। तो परीक्षा में जो परीक्षा हुई है वो अपने आप में 100% होगी ना, तो 100% बराबर किसके होगा, तो 100% बराबर होगा 300 अंकों के। तो देखिए, जो परीक्षा है ना वो कितने अंकों की है, 300 अंकों की। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, बिल्कुल इसका सी ऑप्शन हमारा सही है, तो इसका सी आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कीजिए आप। वह सबसे बड़ी संख्या जो 397, 435 और 5420 को विभाजित करने पर क्रम से 6, 10 और 14 शेष बचे, वो संख्या बतानी है आपको। वह सबसे बड़ी संख्या जो 397, 435 और 5420 को विभाजित करने पर 6, 10 और 14 शेषफल बचे, और देखिए ये ऑप्शन है आपके पास, 19, 15, 21, 17। तो देखिए, हम इसे डायरेक्ट ही ऑप्शन से जाएंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। देखिए, 397, 435 और 5420, सबसे पहले पहला ऑप्शन लिया हमने, और इसको विभाजित करने पर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। इसे विभाजित करेंगे, इसे विभाजित करेंगे तो 10 आना चाहिए शेषफल, और इसे विभाजित करेंगे तो 5420। देखिए, 19 से विभाजित करिए, 19 दूनी 38, और फिर कितना बचा, 17, तो ये जाने कहीं नहीं, तो यहाँ तो देखिए ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी, हटाइए इसे, पहला ऑप्शन। अब आप दूसरा ऑप्शन लीजिए, दूसरा ऑप्शन क्या है, 15, तो 15 से विभाजित कीजिए, 15 दूनी 30 और 9 बचे 97, 15 छिका 90, तो कितना शेष बचा, 7, तो 7 शेष बचा है और आना चाहिए कितना, 6, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता। अब देखिए सी ऑप्शन, 21 से विभाजित कीजिए, तो 21 एकम 21 और कितने बचे, 18, 187, तो 187, 21 अट्ठे 168 और 21 निम्मा 189,
तो मतलब ये भी शेष नहीं बचने का, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही नहीं है। तो देखिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल फिर 17 तो है ही, जो डी ऑप्शन है ये तो हो गई। देखिए कैसे होगा, 17 से इसे विभाजित कीजिए, तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और कितना बचा 5, और 17 51 तो कितना शेष बचा, शेषफल 6। भाई शेषफल कितना बचा 6। अब इसे देखिए विभाजित कर कर, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और कितना 435 को 17 से विभाजित करेंगे, तो 17 दूनी 34 और 6 और 3 9 95 और 17 5 85 तो कितना 10 शेष बचा। और इसे दिए विभाजित करिए, 17 51 और 17 51 और 3 32 17 1 17 तो कितना 14 शेष बचा इसमें। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है, तो इसमें डी ऑप्शन है हमारा 17 आंसर बिल्कुल सही है। देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 12 पैसे प्रति रुपए प्रति माह की दर से 6 वर्षों के लिए 8000 रुपए पर साधारण ब्याज क्या है। तो जो 1 रुपया है उस पर 12 पैसे ब्याज मिलता है, मतलब 100 पैसे पर 12 पैसे ब्याज मिलता है, तो यहाँ से हम रेट निकाल देंगे। देखिए दर 12 पैसे ब्याज मिलता है कितने पर, 100 पैसे पर, तो दर क्या होगी 12%, तो रेट कितनी आ गई 12% और मूलधन कितना है प्रिंसिपल 8000 रुपये और टाइम कितना है 6 वर्ष। तो हमें बताना है कि 6 वर्ष का ब्याज कितना होगा, रेट हमें पता चल गई कि 12% है। तो देखिए SI बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या है, P गुना R गुना T बटे 100 और मूलधन कितना है 8000 रुपये, दर कितनी है 12% और टाइम कितना है 6 बटे 100, तो इससे डिवाइड 12 6 72 72 गुना 80, तो ये कितना होगा 72 गुना 80 0, 8 दूनी 16 6 1 हासिल 8 7 56 1 57 5760 रुपये, तो 5760 हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक तरीके से आप और भी कर सकते हो इसे डायरेक्ट, कैसे आपको 12% दर पता चल गई और देखिए 12% दर पता चल गई और टाइम कितना है 6 है, तो 12 6 72, तो देखिए कितनी प्रतिशत मूलधन पर 72% का ब्याज मिलेगा। तो आप क्या करोगे 8000 का 72% निकाल दीजिए, तो कितना होगा वो 5760 रुपये। तो यहां से भी आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, तो इसका कौन सा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से है, सरलीकरण, 4/5 / 3/10 का 4/9 - 4/5 गुना 1 = 1/9 / 8/15 - 3/4 + 3/4 / 1/2 का मान क्या होगा, और ऑप्शन आपके सामने है। देखिए इसमें क्या होना चाहिए, क्वेश्चन को करने से पहले आपको बोर्ड मास का नियम पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या आएगा, फैक्टर, ब्रैकेट ऑफ और डिवाइड, ये सबस्ट्रैक्ट, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं सरलीकरण का, 4/5 / 3/10 × 4/9, 3/10 × 4/9 सबसे पहले यही हल होगी। तो देखिए मैं क्या करूँगा, 3 * 3 = 9 और 2/5, ठीक है। तो देखिए 4/5 / 2/5 = 15 माइनस
अब यहाँ देखिए ये हल कर लिया, 4/5 गुना 9 × 9 = 10, और 10/9 और भाग में क्या होगा, ये ऊपर हो जाएगा तो गुना कर दिया तो 15/8। तो पहले सबसे पहले ये हल होगा, तो 3 × 9, 3 × 5 = 15 और 4 और 5, 5 × 5 = 25। तो देखिए 4/5 गुना 25/12, यहाँ तक का ये हल हो गया। अब माइनस 3/4 प्लस 3/4 गुना भाग है तो 2/1 हो जाएगा, ये भाग दे दिया तो 2 × 2 = 4, मतलब क्या आ गया ये, लो यहाँ कर रहा हूँ इसको मैं, -3/4 और प्लस 3/4 गुना तो 2 × 2 = 4, 3/2, तो यहाँ क्या आएगा 3/2। अब इसको हल करते हैं, तो देखिए 4/5 गुना 15/2 माइनस 5 × 5 = 25, 4 × 3 = 12, पाँच बटे तीन माइनस 3/4 प्लस 3/2। तो देखिए 5 × 3 = 15 और 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6 और 5/3। तो देखिए प्लस को एक तरफ ले आइए पहले, तो प्लस 3/2 माइनस 5/3 माइनस 3/4। अब इसे यहाँ ये प्लस हो गया, या अगर जो हमने माइनस बाहर ले लिया, तो देखिए 6 × 2 = 12, 12 × 3 = 15/2, और दिखाई दे रहा है यहाँ तक आपको 15/2, और ये हल करा तो 4 × 3 = 12, 3 × 12 = 12, 5 × 20 प्लस 4 × 3 = 12, 3 × 3 = 9। तो देखिए ये कितना आ गया, 15, इसको यहाँ कर रहा हूँ मैं, 15/2 माइनस 29/12। अब देखिए एलसीएम कितना, 12, 2 × 6 = 12, 15 × 6 = 90 और 12 × 12 माइनस 29, तो 90 में से 29 गए कितने बचे, 61, तो 61/12। तो देखिए सिंपल है बिल्कुल, आपको पता होना चाहिए कि भाई किस तरीके से हमें सिस्टमेटिक करना है क्वेश्चन। अगर जो आप बोर्ड मास का नियम यूज नहीं करोगे तो आप क्लियरली गलत कर बैठोगे आपको इस क्वेश्चन को। तो कौन सा है इसका ऑप्शन, मतलब आंसर कौन सा है, 61/12, तो ऑप्शन कौन सा है इसका, डी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका है चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटिव, तो आप इसको कीजिए, पहले आपको 1 मिनट दी जाती है। देखिए 18,000 पर 1.5 वर्षों के लिए नहीं, देखिए कोई आ गया था इसकी वजह से हंसी आ गई। देखिए 18,000 पर 18,000 दोस्तों कोई आ गया था। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 18,000 रुपये पर 1.5 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से कुल राशि अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज चक्रवृद्धि क्या होगी, चक्रवृद्धि बतानी है, मतलब अमाउंट बताना है, मिश्र धन क्या होगा। तो देखिए प्रिंसिपल कितना दिया गया है, 18,000 रुपये,
और आपको टाइम कितना दिया गया है, 1.5 वर्ष। और देखिए जो रेट है ना वो कितनी है, 10%। और जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो अर्धवार्षिक है, तो 1.5 वर्ष में कितनी बार लगेगा, 6 महीने 6 महीने 6 महीने, तो 3 टाइम्स लगेगा मतलब। तो देखिए अब तो दर क्या होगी, ये वार्षिक है तो 5% हो जाएगी। तो देखिए 18,000 रुपये, जो 18,000 रुपये हैं इन पर 5% की फ्रैक्शन 1/20। तो फर्स्ट टाइम क्या लगेगा, पहले वर्ष इसका 1/20 कितना होगा, 900। और फिर दूसरे वर्ष 900। अब देखिए दूसरे वर्ष ब्याज पर ब्याज लगेगा चक्रवर्ती ब्याज में, तो इसका 1/20 कितना होगा, 45। और फिर तीसरे वर्ष मतलब 3 टाइम्स, 30 मतलब 6 महीने के लिए, 1 साल तक लग गया, फिर 900। और यहाँ फिर इस पर लगेगा ब्याज 45, और फिर इस पर 45। और देखिए ब्याज पर ब्याज लगेगा इस पर भी, तो कितना हो गया, 45 गुना 1/20 कितना होगा, 22.5, और ये 1 जीरो है तो ये आ जाएगा 2.25। तो 2.25 रुपये, यहाँ तक दिख रहा है आपको, 2.25 मैं इस तरफ लिख रहा हूँ। देखिए 45 ये तो था ही, 45 और 2.25। अब देखिए टोटल जो ब्याज हुआ वो कितना है, तो 2700, 2700 रुपये, और 45 दिया 135, 135 ये, और 2.25 रुपये। तो 5 2, 5 और 2 7, और 3 7 और 1 8, और 2। तो देखिए ब्याज तो इतना हुआ 2837.25 पैसे, मतलब ये 2835 रुपये 25 पैसे। अब टोटल चक्रवृद्धि वृद्धि बतानी है, मतलब अमाउंट बताना है, तो क्या करोगे इसमें 18,000 में ये जोड़ दीजिए। तो देखिए 18,000 रुपये मूलधन था, और इसमें 2837.25 आप इसमें ऐड कर दीजिए, 7 3 8, 8 2 10, 0 रेखा से दो। तो देखिए 20,837.25 रुपये आपका ये अमाउंट हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, हमारा बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों जो अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको, एक दुकानदार वॉशिंग मशीन को अंकित मूल्य पर 12% की प्रारंभिक छूट देने के बाद रियायती मूल्य पर 18% की छूट देता है, यदि अंतिम बिक्री मूल्य 19,844 है तो अंकित मूल्य कितना है। तो देखिए एक वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन को उसने वॉशिंग मशीन पर छूट दी अंकित मूल्य पर 12% और 18% पर, तो उसका जो बिक्री मूल्य है 19,844 है, तो आपको अंकित मूल्य बताना है। तो देखिए 12% की फ्रैक्शन क्या होगी, 4 तिया 12, 3/25। तो छूट दी गई 25/3 की, और 18% की फ्रैक्शन क्या होगी, 9/50। तो छूट दी गई तो 41/50। तो आपको विक्री मूल्य कितना है, 19,844। तो आप देखिए इसमें रिवर्स गुना किए कर देंगे, देखिए 22/25/22 से गुना, और 50/41। तो देखिए बारिश आ चुकी है, कोई नहीं, पर जब भी हमारी क्लास चलती रहेगी हमें रुकना नहीं है कुछ भी हो। देखिए अब इसमें गुना करनी है, तो देखिए 11 दूनी 22, और 11 एकम 11, और 11 8 88, और 11 चौक 44। अब इसे
ये कितना आ गया 25, अब इसे काटिए 41 से, तो जब 41 से भाग देंगे, देखिए 41 तिया 41 को 1804 से भाग दीजिए, 41 तिया 3, 4 तिया 12, 130, और कितने बचे 7, और 7 में से दोगे 5, 4, तो 41 57 नहीं, 41 यानी चौके चलाइए आप, तो 41 चौका कितने होंगे 4, 4 चौक 16, 164, तो कितने बचे 16, 4, तो 41 चौका 41 चौका 164, तो यहाँ देखिए कितना कटा ये 41 से 44 बार, आप इनकी गुना कीजिए 44 गुना 25 गुना 25, तो देखिए 25 की 25 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 625 और गुना 44, तो देखिए इसमें कीजिए जल्दी 625 गुना 44, 5 × 20 0, 2 हासिल, 4 × 8 और 2 × 10 0, 1 हासिल, 6 × 24 और 1 = 25 गुना 2500, तो 0 0 5 7 2, तो 27,500 रुपये की वो वॉशिंग मशीन थी, तो इसका कौन सा सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है। तो देखिए, तो दोस्तों देखिए आज इतने ही क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा बरसात का भी मौसम ज़्यादा हो चुका है और यहाँ पर काफ़ी बरसात पड़ रही है और डर है कि कभी पानी यहाँ आ ही जाए, लेवल बढ़ जाए और बाढ़ भी आ सकती है। तो दोस्तों देखिए, मेहनत हमेशा ज़रूर जारी रखनी चाहिए, क्योंकि मेहनत के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।